लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जन्मदिन है। ऐसे में जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान तमाम बिहार भर से आए कार्यकर्ता नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से 1-to-1 डायरेक्ट लोग जो है आए हैं और उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं और जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। चिराग पासवान ने पहले अपने आवास पर केक काटा और लोगों के साथ जो है सीधे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान ने अपने जन्मदिन के मौके पर लोगों से कैसे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं और हाथ मिलाकर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और पूरे देश भर से नेताओं का बधाई का तांता लगा हुआ है। लगातार तमाम नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, और तमाम नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि चिराग पासवान से सीधे मिलते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और काफ़ी उत्साह भरा नज़र माहौल आ रहा है। और चिराग पासवान जब मुलाकात कर बाहर निकले तो पत्रकारों के सवालों पर जवाब भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले वो हम आपको सुनाते हैं जन्मदिन के मौके पर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम पत्रकार साथियों का, आप सबका मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज के दिन को मेरे लिए खूबसूरत बनाया। अपने परिवार के, मेरी माँ का, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं उन तमाम विधायक सांसदों का, केंद्रीय मंत्रियों का, विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने फ़ोन पर ना सिर्फ मुझे जन्मदिन की बधाई दी बल्कि आने वाला साल मेरे लिए खूबसूरत हो, उज्ज्वल हो, उसकी भी कामना की। बदले में मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि आने वाला साल हम सब के लिए, NDA गठबंधन के लिए, बहुत उज्ज्वल होने वाला है। बिहार में से 40 की 40 सीटें NDA गठबंधन जीतेगा, ये विश्वास मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को दिलाया। साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का और तमाम उन लोगों का जिन्होंने अलग अलग माध्यमों से मुझे शुभकामनाएं दी और मेरे दिन को खास बनाया। आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन की बधाई दी कि नहीं? भाई मैं आज की तारीख में कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा जो कहीं से भी राजनीतिक उलझनों में मुझे या उन्हें फंसाए। उम्र में मुझसे बड़े हैं, रिश्ते में मेरे चाचा हैं, यकीनन मैं मानता हूं दिल से उनका आशीर्वाद होगा ही भाई पूरी तरीके से। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 400 सीटों पर हम लोग अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। मेरी पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के नेतृत्व में पार्टी के हर एक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। ये हर लोकसभा को मजबूत करने की दृष्टि से, संगठन को तैयार करने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और मैं मानता हूं कि हर वो लोकसभा जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी वहां पर तो हमारा संगठन मजबूत हो ही, पर साथ ही में जहां पे हमारे गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ें वहां पे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन का लाभ उन घटक दलों को, उन प्रत्याशियों को मिले। इस दृष्टि के साथ हम लोग 400 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। संकल्प यात्रा आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके का रिस्पॉन्स संकल्प यात्रा को मिल रहा है और भरी भारी संख्या में जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हर जिले में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक मजबूत संगठन के माध्यम से गठबंधन को 40 की 40 सीटें जिताने में हम लोग कामयाब होंगे। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने जन्मदिन के मौके पर कई सवालों के जवाब भी दिए और सीधे तौर पर अपने जन्मदिन के मौके पर सबको तहे दिल से उन्होंने बधाई दी, बिहारवासी और देशवासी को और तमाम नेताओं, चाहे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे केंद्रीय जो भी मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी तो सभी को तहे दिल से उन्होंने धन्यवाद भी दिया। ऐसे में आपको बता दें कि चिराग पासवान अब पटना आवास पर काफ़ी उत्साह से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी माँ और पिता की तस्वीर भी साथ उन्होंने लोगों के सामने साझा की है और स्वर्गीय रामविलास पासवान तब उन्होंने अपने बेटे चिराग पासवान को केक खिलाया था, वो भी तस्वीरें साझा की है। तो ऐसे में जन्मदिन के मौके पर चिराग पासवान के आवास पर काफ़ी उत्साह भरा माहौल है। अपने सहयोगी कैमरामैन सरवन राज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।